मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नई उद्योग नीति लाने का फैसला लिया गया। सरकार इसके लिए वर्ष 2014 में लागू की गई उद्योग नीति में संशोधन करेगी। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा सरकार ने एमपी नगरपालिका विधि संशोधन 2017 विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस सुविधा अंतर्गत 10-40% तक लागत पूंजी अनुदान दिया जाएगा, जो छोटे निवेशकों को अधिकतम 40% होगा, जबकि बड़े निवेशकों को 10% के स्लैब में रखा गया है। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप आज उद्योग संवर्धन नीति 2014 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को, इस नीति को जोड़ने के बाद से इसके कौन कौन से स्लैब बनाए गए हैं रोजगार प्रभावित, इसके लिए भी माननीय उद्योग मंत्री जी संभवतया आप सबके बीच में आकर, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है तो वो स्वयं इस बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए भी अस्थाई पदों को स्थाई करने के बारे में मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिया है। कुंडलिया बृहद सिंचाई परियोजना के विस्थापितों के लिए पुनर्वास पैकेज का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है। आज ये भी काफी महत्वपूर्ण किसानों के हित का निर्णय है। उच्च शिक्षा विभाग में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान को प्रोत्साहन करने के लिए जो योजनाएं थी, पुरस्कार योजनाएं, श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार योजना, श्री हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार योजना जिसमें कुलपति को दिया जाता है, और नेक, ऐसे नेक प्रोत्साहन योजना, तीन पुरस्कारों को भी सहमति प्रदान की। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।